हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू ड्रीमर्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट बुक्स और ऑथर्स लेके आया हूँ, जो कि 2019 में बुक जो पब्लिश हुई है, जो कि गवर्नमेंट ने किसी राइटर ने लिखी हुई है। आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम्स में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और उनमें से दो या तीन बुक्स जरूर पक्का आनी है कोई ना कोई से एग्ज़ाम में, लाइक इन रेलवे, इन SSC CGL, क्योंकि SSC CGL का भी फॉर्म निकला हुआ है, और रेलवे NTPC में भी आ सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। पॉइंट 1, रिसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमी लीगेसी। सो जो इसके राइटर है वो है BJP MP, जो BJP के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सुब्रमण्यम स्वामी। इन्होंने यह बुक लिखी है, रिसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लिगेसी, जो कि इकोनॉमिक के ऊपर बेस है, तो इसको याद कर लेंगे, ये लेटेस्ट में आई हुई है। जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड बुक है वो है द टेक विस्पर, जो कि जसप्रीत बिंद्रा ने लिखी हुई है। ये हमारी जो आजकल जो टेक्नोलॉजीज चल रही है, और मोदी भी डिजिटल इंडिया पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो उससे रिलेटेड यह बुक है टेक विस्पर, इसको आप याद कर लेंगे। जो थर्ड बुक है वो है बीइंग गांधी, जिसके ऑथर है वो है पारो आनंद। यह गांधी जी ने जो भी इवेंट किए अपने टाइम में, जैसे जो उन्होंने आंदोलन किए थे और जो उन्होंने स्वच्छता अभियान के लिए भी किया था, तो उसके ऊपर ये बुक है। इसमें गांधी जी के सभी इवेंट हैं, ये पारो आनंद ने लिखी हुई है। नेक्स्ट बुक है ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, जिसके लेखक है वो है राजेंद्र बी अकलेकर। इसमें इंडिया रेलवे की स्टार्टिंग में कब से शुरुआत हुई और अब तक की पूरी हिस्ट्री बताई हुई है इंडियन रेलवे की, तो इसको भी याद कर लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें है श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार। ये श्रीदेवी की लाइफ पे बेस्ड बुक है, जो कि सत्यार्थ नायक ने लिखी हुई है, गर्ल वुमेन सुपरस्टार। आप ये भी मान सकते हो कि ये ऑटोबायोग्राफी हो सकती है श्रीदेवी की। जो नेक्स्ट बुक है वो है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। ये जिसके राइटर है या फिर ऑथर है वो अनुपम खेर है, ये भी इनकी ऑटोबायोग्राफी है अनुपम खेर की, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। जो नेक्स्ट बुक है वो है गेम चेंजर, ये शाहिद अफरीदी की ऑटोबायोग्राफी है, और ये शाहिद अफरीदी और वजाहत एस खान ने दोनों ने लिखी हुई है गेम चेंजर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है आपके एग्जाम में, तो इसको भी याद कर लेंगे। जो नेक्स्ट बुक है वो है सेफरन स्वॉर्ड्स, जो कि मनोसी सिन्हा रावल ने लिखी हुई है। इसमें हमारे जो योद्धा हुए हैं, जो आज़ादी के टाइम पे और उससे पहले 1857 की क्रांति, उसमें जो योद्धा हुए उनके बारे में बताया गया है, तो इसको आप जरूर याद कर लें। जो नेक्स्ट बुक है वो है दी कजन्स ठाकरे उद्धव राज एंड द शैडो ऑफ देयर सेनाज। इसमें जो उद्धव ठाकरे है उनके पॉलिटिकल जर्नी को बताया गया है शुरुआत से लेके, और यह बुक धवल कुलकर्णी ने लिखी है। इसमें उद्धव ठाकरे की के बारे में बताया गया है, इसको आप याद कर लेंगे। फिर है सावरकर इकोज फ्रॉम ए फॉरगॉटन पास्ट 1883 टू 1924। इसमें वीर सावरकर के बारे में बताया गया है, यानी कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है इसमें, और जो उसके राइटर है वो विक्रम संपत है, इसको आप याद कर लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वीर सावरकर से रिलेटेड। जो नेक्स्ट बुक है वो है इंडिया लॉस्ट फ्रंटियर द स्टोरी ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविनेंस ऑफ पाकिस्तान, जो कि आज ये कहलाता है पाकिस्तान खैबर पख्तून, इस एरिया को बोला जाता है, ये आज POK में है। जो इसके राइटर है वो है राघवेंद्र सिंह, और इसमें इसकी स्टोरी बताई गई है कि कैसे कैसे पाकिस्तान ने इस पे कब्जा किया था इस एरिया पे। और जो नेक्स्ट बुक है वो है 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, जिसके राइटर है वो है काशीनाथ पंडित।
इसमें कश्मीर की पॉलिटिकल जर्नी एंड उसके ज्योग्राफिकल एरियाज के बारे में बताया गया है। इसको आप याद कर लेंगे, ये 12 बुक्स है, इनको आप पक्का याद कर ले। इसमें पक्का एक या दो किसी न किसी एग्जाम में पक्का आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ड्रीमर्स। प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।